नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबको एक छोटी सी रेसिपी बताने जा रही हूं, वो है गाजर का रायता। काफ़ी इजी है और इसे हम फटाफट बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 गाजर, उसके छिलके उतार लिए, उसे अच्छे से धो के उसे ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कर लिया है। और उसके अलावा हमें चाहिए दही, ये ग्रेटेड गाजर हैं, और एकदम छोटे छोटे टुकड़े में प्याज कटे हुए, सरसों का तेल, नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक छोटे छोटे टुकड़े में, और करी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा और सरसों या राई। पैन को मैंने गर्म करके रखा हुआ है, अब उसमें डालते हैं तेल। तेल गर्म होने पे डालें उसमें जीरा और सरसों या राई, आपके पास जो भी, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। ये झटपट वाली रेसिपी जो है रायता, वो किसी भी रोटी चावल के साथ खाइए तो उसका जायका बढ़ा देती है। अब इसमें डालते हैं हम कुटी हुई अदरक और हल्का सा बस इसे सॉटे कर देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे करी पत्ते और हरी मिर्च, इसे भी हल्का सा सॉटे करके ही तुरंत ही हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च आप छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज कटे हुए, और इसका भी सिर्फ हल्का सा इसे सॉफ्ट हो जाने तक 30 सेकंड तक ही इसे चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड गाजर, और उसे भी सिर्फ हम 1 मिनट के लिए ही सॉटे करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, बट उसकी जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो ये जब तुरंत ही हो जाएगा, फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और 1-2 बार उसको सॉटे करते हैं, और फिर हम इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ये जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे दही में मिलाना है, क्योंकि ये आप गर्मा गर्म डाल देंगे तो इसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए, जो गाढ़ी दही थी उसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर या काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो लाल मिर्च पाउडर डालें। मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा नॉर्मल नमक या सेंधा नमक या जो भी नमक आप खाते हैं, या काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, मैं काला नमक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम स्टर कर देंगे, मिला देंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड गाजर। इसे डालने के बाद हम इसे पूरी तरह से मिला देते हैं, और हमारा रायता रेडी। यह रायता हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है, चाहे वो रोटी हो या नान हो, पुलाव हो या बिरयानी हो, या फिर ऐसे सिंपल स्टीम राइस ही क्यों ना हो, हर चीज़ के साथ इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगली बार अगर आपको रायता बनाना हो तो आप गाजर के रायते को ही बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।